रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इसको मैं आया हूँ किसी के पास। ये क्या बना रही हो तुम? कढ़ी। ये कढ़ी इतनी पतली कैसे हो गई? अभी बन रही है ना, टूटा पड़ गया मुझे लग रहा है। तो वरीशा, ये तुम क्या कर रही हो? पतीला छोटा पड़ गया, कढ़ी ज्यादा पड़ गई। चलो भाई, माशाल्लाह छोटा पड़ गया। और ये चाय तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? वरीशा ने बनाई। अच्छा जी, ये ब्रेड भी ऐसी पड़ा भाई, किसने नहीं खाया? कौन खा रहा है ये? मैं खाऊंगी। है इतना सा? नहीं खाऊंगी, वाह भाई, खाऊंगी, भूख लग रही है। अच्छा जी, ईशान सौदा ला दे थोड़ा सा। बाइक की स्टार्ट हो रही है अभी। आटा, आटा जैसे लाऊंगा अभी। क्या बाइक की स्टार्ट भी हो रही? कल रात तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? बताए कल तो। कल रात तो वैसे भी अल्लाह ने गर्म कर दिया। पता तुम्हारे किस तरीके से मैं पहुंचा हूँ रात को, किस तरह से लोग पहुंचे होंगे कल? पता, गाड़ी गिर गई थी नाले की तरफ। पूरी गाड़ी खराब हो गई है। अभी दिखाऊंगा तुम्हारे को क्या हालत हुई है। इंतजार कर रहे थे। अबे भाई, बस तुम इस तरीके से मैं सुबह 6:30 बजे पहुंचा हूँ ना, मेरे अल्लाह को बताइए। सारे रास्ते बंद, सब कुछ बंद, गाड़ी बंद, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। पैदल की सीट तो लेकर आया हूँ मैं इसको। पता तुम्हारे बच्चियाँ भी नहीं सो पाई थी, हम लोग सुबह 6 बजे सोए। पता है आपको, लोग बेचारे फंस गए होंगे इसके अंदर। पता है फोन खुशक हो गया, पूरी रात ऐसे गुजरी है। पता है गाड़ी पूरी खराब हो गई, जूता भी फट गया। जूता, हाँ अभी दिखाऊंगा ना तुम्हारे को जूते की हालत, देखो क्या हो गई। निशानी पतीला नीचे रखिएगा, नीचे रखना। मैं चाह रहे थे कि आप कढ़ी बना के दिखाएं। अब वो बाकी के वो निकल ही गए, इसमें कितना बेसन डाला है, कितना दही। तो हमारा महीना से ही डाला है, महीना हो गया तकरीबन। यहाँ पे मम्मा बना रही है पकोड़े, वो भी कढ़ी के लिए, और बारिश का मौसम हो रहा है। और मैं पकोड़ा ले लूँ क्या मम्मा से? अरे ईशा, कितने पकोड़े खाओगे? अभी तो खा के बैठी हो। अरे मुझे पता, मैं ले रही। मम्मा, ईशा ने देखा आधा तोड़ के रख दिया। मैं ले रही, मुझे नहीं पता अम्मा। अच्छा ईशा, कढ़ी के लिए कम पड़ जाएंगे, मम्मा के पकाती रहेंगी पकौड़े ही। क्या हुआ? ये बने हुए हैं चावल, मम्मा ने चावल भी बना लिए हैं। ईशा यहाँ पे सिर्फ पकोड़े खाती रहती है। और ये मम्मा, बारिश का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कल भी बारिश हुई थी, आज भी लग रहा होएगी। वाह मम्मा, क्या खुशबू आ रही है, मुझे भी दे दे मम्मा। मम्मा कम पड़ जाएंगे, आपके पकोड़े बनाती रहेंगी। नहीं कम पड़ेंगे, खा लो, खा लो, ले लो, अब खाते रहेंगे। कैसे हैं? नमक सही हो रही ईशा जी? अम्मा ये लग रहा है कि इतना बड़ा ही पतीला है, असल में कढ़ी जो है बड़ी हाथ पे भाप नहीं लग जाए, साइड से उठाओ यूं करते हैं। हाँ ऐसे ये लग रहा है कि इतना बड़ा ही पतीला है, लेकिन बनने की वजह से मैं कढ़ी कढ़ी गिर ना जाए। मैं बहुत कम बनाती हूँ कढ़ी। आप कढ़ी मेरी फेवरेट है। मम्मा आज मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे फेवरेट है। तो खा लेना, रोज कम खाती हूँ। नहीं और खाऊंगी। खा लेना। कढ़ी चावल किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को पसंद होते हैं कढ़ी चावल। ये हो रहा है, मम्मा ने जैकेट धो के टंगाई है बाबू की, क्योंकि कल बाहर लटकी हुई थी, बारिश हो गई तो गंदगी हो गई थी उसके ऊपर वापस से। बस ये अनमाने नहीं खा रही हूँ, चावल दे दिए मैंने थोड़े से। जी मम्मा, मैं तो हम तो बोल रहे ये आपने इतने से चावल क्यों दिए हैं? मम्मा ये तो वही बोल रहे हैं, भाई शाम ने बहुत अच्छी मछली भेजी थी और हमने भी खाई थी, बहुत मजे की बनी थी। मैं बाप पूछो नानी फार्मा को चावल इतने कम क्यों दिए? ज्यादा देना अम्मा, कड़ी नहीं बन सकती क्या अम्मा इतनी जल्दी तक? बेटा अभी बाजार में दे देगा, ले जाए अम्मा, दे देगा। सही है, खाएगा इस कड़ी बन चुकी है, नहीं लगी, दिखा दी, दिखा दी दोस्त को भी। पत्ता धो के सुखाने भी रख दिया, ताकि वो अगर मम्मा भगा डाले तो फिर सूख गीला जो है उछले न। बारिश होने वाली है, फाइनल हो गई है। ये देखिए गाड़ी फाइनल हो चुकी है, मम्मा इसके ऊपर भगाड़ लगेगा, लगेगा। मम्मा तैयार होती है कड़ी? चार घंटे में तैयार हो जाए। अच्छा चले, अब भगाड़ देंगी ना मम्मा? अब हम आपको दिखाते हैं कि भगाड़ मम्मा कैसे दे देंगी। अब मम्मा इसमें क्या क्या है, आप क्या क्या डालेंगी? इसमें डलेगा जीरा,
जीरे का पकौड़ा होता है, बाकी लोग लहसुन का भी डालते हैं, लेकिन मुझे जीरा पसंद है। आप लोग भी जीरे का करके देखेगा क्योंकि मम्मा कर रही है। जीरे का बहुत अच्छा आता है, हमारी अम्मी है ना जीरे का करती है। जीरे की जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू आती है ना, उससे बड़ा टेस्ट और जबरदस्त मजा आता है। क्या खुशबू आ रही है तड़के में जीरे के बगैर? मैं कहती हूँ तड़का जो है जीरा और कड़ी पत्ते के साथ। दूर हट जाओ, इसमें डालना है कड़ी पत्ता। जीरे से भगाड़ लगाती हूँ, कड़ी पत्ता तो नहीं डालूंगी, है ना? ये मैंने देखा है माशाल्लाह, आपने कुकिंग का माशाल्लाह बड़ी ही रिसर्च की है। ठीक है, ओ माय गॉड, माशाल्लाह कैसे खुशबू आ रही है, बेहतरीन। तड़के के बाद तो और मजीद। तो व्यूअर्स हमारे वरीशा ईशा आ जाओ, कड़ी चावल तैयार है। वरीशा का तो मेरी दिल्ली में चला, मम्मा आज भूख ही नहीं लग रही। ऐसा हो ही सकता है, मैं ना खाऊंगी। मम्मा खाना दे दे, अब तो लाइट भी चली गई लग रहा है, पापा देर से आएंगे अब। जी अम्मा, ये तो गर्म ही है, हमने अभी अभी तो बनाया। पापा को तो देर लगेगी, हम दस बजे बाइक ठीक कराने गए ना। जाहिर सी बात है, मम्मा पापा इतने लंबे लंबे वो करते होंगे सफर, राइड भी लंबी लंबी आती है। और एक बात और है अम्मा, हमारे बैग इतने भारी है, हम दो आते हैं ना सुबह सुबह, तो उसकी वजह से और पंचर हो जाता है। तो तुम फालतू कॉपियां किताबें रख के जाया करो ना घर में। मम्मा नहीं, फिर भी बैग भारी हो ही जाता है, और 7 पीरियड होता है हमारे स्कूल। मम्मा तो कितना पता भी नहीं चलता था कि वहाँ लाइट भी चली गई। अम्मा काम कर, आप खाना ही दे दे, खाना दे रही, भूख लग गई इतनी तेज। वहाँ पता ही नहीं चलता था कि लाइट भी चली गई और जनरेटर चल जाया करता था, 2 सेकंड नहीं होते थे, और पानी भी आता रहता था मुसलसल, यहाँ पे भरना पड़ता है। ये पकोड़े क्यों नहीं खाते तुम लोग? ये ईशा नहीं खाती है, मैं मेरे लिए बचा देती है। झूठ बोल रही है, खड़े होकर नहीं खाओ। मैम देर हो रहा है, वहाँ पे बाबा के साथ खाएंगे। बाबा के साथ खाऊंगी, वहीं आ जाओ। इधर आ जाओ, अंधेरा है वहाँ, कहाँ चली गई? आपकी चम्मच लेने, आप भी खाएंगे ना? मम्मा पापा का इंतजार कर रही हैं। एक चम्मच खाओ, बस एक चम्मच, वही नहीं है अपने फुल क्या, थोड़ी सख्त हो गई। मजे की बनी है, बहुत मजे की है। फेवरेट है।